पास दिए और प्रॉपर्टी भी दी। मैंने दूसरे बेटे अली हैदर शाह को हैदराबाद में पढ़ाया, वहाँ से ग्रेजुएट कॉलेज चितारों में भेजा और फिर सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में पढ़वाया और MBBS करवाया। और ये भी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक होने के साथ साथ 17 ग्रेड की मुलाजमत सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में कर रहा था। मेरी बहुत समझाने के बावजूद उसने बिना वजह मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। ये हमेशा तबीयत नाफरमान बदल रहा और गालिब रहा है। सियासी सामाजिक और जाति हर लिहाज से, यहाँ तक कि अपनी वादा की ज़मीन मेरे और उनके नाले के बगैर बेच। इसके अलावा ऐसे बेशुमार इकदाम हैं, मैं कितने बयान करूँ। इसके अलावा मेरी छोटी बेटी शायदा पाकवा भी मेरे लिए बहुत तकलीफ का सबब बनी है और ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रही है जो मुझे बयान करने में तकलीफ होती है। इस तरह मेरे बेटे शबीर हैदर शाह के दोनों बेटे नवाज अली शाह और कुरबान अली शाह, जिनको मैंने अपने दोनों बेटों से डिसअपॉइंटमेंट के बाद आगे करने में बहुत कोशिश और इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अपने वालिद और चचा और पी की तरह नाफरमान बदलहाल और एक कदम आगे क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो गए हैं। उनमें अली हैदर शाह का बेटा जाफर अली शाह भी चीन के साथ लोगों के साथ ज्यादती नाजायगी और जुल्म में शामिल है। मैं पूरे सूबे अपने जिले खैरपुर और मुल्क के आवाम से माजत का कि उन्होंने मेरे नाम पर मेरी पोजीशन को मिसयूज किया। ये औलाद मेरी तकलीफ और बदगुजारी का सबब है। मैंने इन सबको वो मुल्क और रिमूवल प्रॉपर्टी से बहुत कुछ किया है और मुझे जो कुछ उनको देना था वो मुझसे और मेरी मरहूमा पहली बीवी की मिल्कियत से ले चुके थे और मैं कुछ प्रॉपर्टी का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग मेरी बाकी जो प्रॉपर्टी है उसपे भी कब्जा करना चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए इस हद तक पहुंच गए हैं कि मेरे 2020 साल की फसल आमू और खजूर का बगैर किसी मेरी इजाज़त या ठेके के चोरी करके कटवा के ले गए और ऐसी FIR मैंने पुलिस में दाखिल कर लिया। इसी तरह लड़कों के खिलाफ एलिगेशन हैं कि उन्होंने चोरियां करवाई हैं, लोगों की प्रॉपर्टी और करवाई है
मेरी बदनामी कर रहे थे। अब इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उन्होंने कुरबान अली शाह को विचार किया है कि वो मुझे मेरी बीवी डॉक्टर से पर और मेरे बेटे सैयद मोहम्मद सफदर हैदर शाह जो मेरी दूसरी बीवी डॉक्टर परसंदा शाह से है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड इंग्लैंड से MSc है मास्टर्स किया है, इन तीनों को कतल करें और खुद जाके पुलिस में हथियार समेत सरेंडर करें। मैं तेज तो नहीं बात कर रहा हूँ और खुद जाके पुलिस में हथियार समेत सरेंडर करें और पुलिस उसको कोर्ट में तैनात करें। अब तीनों के कत्ल होने के बाद जो वारिस बचेंगे वो मेरे बेटे शबीर हैदर शाह और अली हैदर शाह। शबीर हैदर शाह कुरबान शाह का बाप है। अली हैदर शाह उनका चचा और ससुर है जो कोर्ट में लिखे देंगे कि हमने कुरबान शाह को ये जो कत्ल उसने किए हैं माफ किया है और कोर्ट इसके बाद किसास और जैयत इस्लामी कानून के तहत कुरबान शाह को अगुट करेगी और फिर ये सब मेरी प्रॉपर्टी उनकी मिलकर होगी। इस सारी प्लानिंग में शबीर शाह अली हैदर शाह नवाज अली शाह जाफर अली शाह और सब साथ इन सारी बातों को सामने रख के मैंने फैसला किया है और उस फैसले करने में मैंने एक साल से ज़्यादा हिस्सा लिया है और उस एक साल का बड़ा हिस्सा मैं खैरपुर के इस घर में रहा और इस बात पर सोचता रहा हूँ कि इन हालात में क्या किया जाए और ये भी हमेशा खौफ रहा है कि अगर प्लान ये है तो ये कभी भी हमला कर सकते हैं। एक साल से ज़्यादा आज मैंने अपने आप को फैसला किया है कि आज मैं अपने आप को उनसे अलग कर मैं शबीर का और उनकी सारी औलाद और उसकी सारी औलाद और मेरी छोटी बेटी शाहिदा फातिमा और उसकी सारी औलाद
नेशनल लेवल पर कवरेज देती रही है और ये मेरा फैसला भी मैं उनके सामने अर्ज करूँ और उनको हालात का ये जी कहा था इसे अंदर वो सड़े उनके बाद तो ये रखना था लगा सकते हैं जिस औलाद के लिए आप कितनी कोशिश करें और कितनी प्रॉपर्टी उनको दे उसके बाद भी उनके अप्रोच में ये हो कि इनको कत्ल करके हम इस प्रॉपर्टी की बात करें। मैं प्रॉपर्टी के डिटेल्स नहीं देना चाहता हूँ, वो बहुत है बल्कि करोड़ों में है जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मेरी मरोना बीवी की जो मिलकर थी उससे उनको मिला है, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर बात लंबी होगी तो चार ऐसी भी बातें लेगी जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको अपने हद तक जो मैंने ज़रूरी समझा आपके सामने अर्ज करना वो मैंने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन गुजारशात को नेशनल लेवल पे पहुँचाएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको अपने इस प्रोग्राम में और ट्रेनिंग में जिसके ज़रिए वो मुझे मेरी बेबी और मेरा बेटा वो बैठा हुआ है काम पे खड़े हो रहे भाई ये सैयद मोहम्मद सरदार साहब कटर करें आपसे खबर का इतला भी देना है और दुआ की भी दरख्वास्त करना है और एक आखिरी दरख्वास्त ये है कि मैंने महसूस किया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ ये खाने का टाइम है तो मैंने आप सब लोगों के लिए मेहमानों के लिए खाने का सादे खाने का इंतजाम किया है और आपको गुजारिश करता हूँ कि बगैर खाने खाए यहाँ से मैं जाना हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आप लोगों का अगर आप दोने वाले मेरे घर से खाते जाएंगे। यही गुजारिश आपकी जो मैंने आपके